हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। तो आज का दिन यूएस एम्बेसी की तरफ से बहुत अच्छा रहा। यूएस एम्बेसी ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के एस्पायरेंट्स थे, जो स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस जाना चाहते थे, यानी कि F1, M और J टाइप के वीज़ा कैटेगरी को यूएस एम्बेसी की तरफ से एक बहुत अच्छा आज तोहफा मिला। और वो तोहफा ये है कि आज यूएस एम्बेसी ने बहुत सारे स्लॉट्स ओपन किए रिसेंटली, तो इसके बारे में हम आज वीडियो में बात करें। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैंने जब भी मैं कोई भी स्लॉट ओपनिंग होते हैं तो मैं क्विकली वीडियो नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, बट आई मेक अ पोस्ट ऑन द यूट्यूब सो डैट कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इमीजिएटली अगर आपको कोई स्लॉट ओपनिंग की अपडेट चाहिए या किसी भी अपडेट चाहिए तो आपको टाइम पर वो मिल जाए, सो डैट यू डोंट मिस एनी चांस फॉर योर स्लॉट बुकिंग। So let's do not waste the time and let's move on to the video. करते आज की स्लॉट ओपनिंग के बारे में। यूएस एम्बेसी की तरफ से काफ़ी देर से अपडेट आ रहे थे कि वो स्लॉट ओपन करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, बट कोई एक्सपेक्टेशन जो थी उस टाइम पे ये नहीं आया। बट अल्टीमेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लॉट्स ओपन किए, बहुत बल्क अमाउंट में स्लॉट ओपन किए आज की डेट में। आज डेट है आई थिंक इट्स 11 जून 2022। तो आज बहुत सारे स्लॉट ओपन किए। स्लॉट जो थे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए थे, स्पेसिफिकली जो फ्रेश केसेस थे उन्हीं के लिए थे, जो रिफ्यूज्ड हैं अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अभी ओपन नहीं हुए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी ओपन करेंगे बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड कि वो रिफ्यूज्ड केसेस का भी ध्यान रखेंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ देयर कोर्स। ऑल्दो कुछ लोगों के कोर्स अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के सितंबर में हो रहे हैं, तो मैंने रिफ्यूज्ड केसेस के लिए भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है स्पेशली रिफ्यूज्ड केसेस वालों के लिए। आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, उसमें आप मैंने रिफ्यूज्ड केसेस वालों के लिए वीडियो बनाए हैं कि उनके स्लॉट्स कब ओपन होने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो में जाके चेक करें, या फिर आई विल ट्राई कि अगर मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, बट डिस्क्रिप्शन चेक करने से पहले ये वीडियो को पूरा देख लें। तो बात करते हैं आज के स्लॉट के बारे में कि वो कब से खुले। जो स्लॉट्स थे वो रात तकरीबन 12 o'clock से स्लॉट ओपन हो गए थे, और स्लॉट जो थे बहुत बड़ी अमाउंट में थे, बहुत ज़्यादा स्लॉट्स बुक किए, तो बहुत सभी ने किए, ऑलमोस्ट एवरीवन हु वाज कंसर्न्ड विद अस हमने उनको नोटिफाई किया, दे सक्सेसफुली बुक द स्लॉट्स। तो बात करते हैं स्लॉट्स के बारे में। हमने इसके बारे में पोस्ट भी डाली थी, जो कुछ स्लॉट्स के बारे में जो हमने अपॉइंटमेंट्स बुक की थी उसमें से कुछ B1 B2 भी थे, वो ऑल्दो कि वो आज की डेट के नहीं थे, कुछ डेज पुराने थे, बट वी बुक्ड अल्टीमेटली वी बुक्ड सम स्लॉट। तो आज जो स्लॉट्स थे वो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में ही थे, इवन कि इतने ज़्यादा स्लॉट्स थे कि आज ऑलमोस्ट जो भी हमारी कंसर्न में था वो सभी के स्लॉट बुक हो गए। सो मेक श्योर कि अगर आपको भी ऐसी स्लॉट्स बुक करने हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं स्लॉट्स के बारे में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, बिकॉज जब भी स्लॉट्स ओपन होते हैं तो मैं एक पोस्ट डालता हूँ, बिकॉज वीडियो बनाना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पोस्ट डालता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो डैट यू डोंट मिस इन अपकमिंग डेज। स्लॉट्स से ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्सुलेट में थे, ये नहीं थे कि मुंबई में खोला, दिल्ली में नहीं खोला, दिल्ली में खोला तो चेन्नई में नहीं खोला, ऐसा नहीं था, ऑलमोस्ट सभी कॉन्सुलेट्स में थे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बच्चों ने अपने स्लॉट बुक किए, चेन्नई में बहुत बुक किए और मुंबई में भी बहुत बुक करे। ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी, ऑल स्लॉट्स आर इक्वल। सम पीपल आस्क मी कि सर कौन सा ज़्यादा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, किसका जो सक्सेस रेट वो सबसे ज़्यादा है, कौन ज़्यादा वीजे देता है, कौन ज़्यादा रिजेक्ट करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ अल्टीमेटली दिस इज़ अ मिथ। जो भी है वो कॉन्सुलेट सभी यूएस एम्बेसी के हैं, सभी पे सेम प्रोटोकॉल्स होते हैं, सभी के सेम प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड करना होता है वेदर दे विल अप्रूव और दे विल रिजेक्ट यू। तो इस चीज़ों में ना पढ़े, इससे बेटर आप अपनी अपने जो इंटरव्यू है उस पर प्रेपरेशन पर ध्यान दें कि उसमें आपने कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आपने उसको जवाब देना है अपने क्वेश्चन को जो इंटरव्यूअर आपका करता है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, उस मिथ पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये कुछ लोगों ने ऐसे रूमर्स फैलाए हुए हैं कि न्यू दिल्ली में जो रिजेक्शन है वो कम होती है और चेन्नई में रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट योर इंटरव्यू और योर फाइल दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी अप्रूव्ड और यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करें। बहुत सारे रूमर्स हैं, आपको फ्रेंड सर्कल में सुनने में आएगा, जो रिलेटिव्स हैं वो सुनाएंगे भी ऐसे ना करना ऐसे ना करना। तो जो कि अभी सिनेरियो चल रहा है कि स्लॉट्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी स्लॉट मिल रहा है जस्ट बुक इट, ओके। ये मत देखें कि मुझे दिल्ली मिल रहा है तो वहाँ नहीं मिल रहा है, जस्ट बुक इट।
हाँ उसके बाद आपके पास चांस होता है कि आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हो। तो अगर आप फ्रेश केस हो, आप फर्स्ट स्लॉट बुक कर रहे हो, तो जस्ट बुक इट, व्हाट वेयर एवर यू गेट इट जस्ट बुक इट, ओके। उसके बाद भी अगर स्लॉट ओपनिंग होगी तो आपको चांस मिलेगा, यू कैन रीशेड्यूल इट। और कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन था कि कितनी बार रीशेड्यूल कर सकते हैं हम, तो देयर आर टोटल 3 times व्हेन यू कैन रीशेड्यूल, ओके 3 times। इससे ज़्यादा आप रीशेड्यूल नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा रीशेड्यूल करेंगे तो आपको MRV फीस फिर से पे करनी पड़ेगी, देन यू कैन रीशेड्यूल इट अगेन, ओके। इन 1 MRV फीस यू कैन रीशेड्यूल 3 times, नॉट मोर देन 3 times, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक वीडियो, सो डैट अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।